सत श्री अकाल, स्वागत है आपका टीए ब्लॉगिंग में। तो कैसे आप सब? ऊपर तो सब बढ़िया होंगे यार। तो बर्थडे से पहले 10K करने हैं अपने आपको अपने को, और जो नया है लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना अपने। बर्थडे को पहले 10K करने ही करने हैं। एंड अभी लेट हो रहा हूँ मैं, और पहले जाते हैं अवनीत के साथ। अवनीत भी जा रहे थे अपनी आर एस 200 पे, तो उसके राहुल भाई वगैरह मिलेंगे सब, एंड राइड कंटिन्यू करेंगे। हम पंचगाँव जा रहे हैं, तो मीटिंग पॉइंट पहले 11 है, फिर रोला कुआँ है। एंड अभी बाइक वार्म अप हो रही है, और ये आज शीशे कैसे लग रहे हैं, बाकी थोड़ा लाइट का इशू होगा, थोड़ा सा इग्नोर करना। एंड सीधा मैं आपको मोटो ब्लॉक में मिलूंगा, और अभी विनीत के पास चलते हैं फटाफट। तो गाइस फाइनली गुड मॉर्निंग, और थोड़ा सा नींद में था पहले इंट्रो में, तो अब अपनी बाइक देखो कैसी लग रही है यार, बेबी मेरी। एंड अभी पूरा राइडिंग गियर्स पहन के पहली बार चलाऊंगा, मतलब गर्मी तो लगेगी लगेगी अपनी सेफ्टी के लिए यार। और मैंने रात को बोला कि मेरे को इतनी दूर जाना है, तो थोड़ा सा घर वाले गुस्सा हो गए कि भाई इतनी दूर अभी नहीं जाना तेरे को, तो भी मैं आ गया इस राइड पे। बाकी हम थोड़ा सा मेंटेन करके चलेंगे, क्योंकि बाकी मैं सुबह सुबह पहन के निकला राइडिंग जैकेट, तो एक बंदा ऐसे देखे जा रहा भाई साहब कैसे मैं अलग ही दुनिया से आया हूँ। तो और मुझे अच्छा लगा सुबह सुबह एक रिएक्शन मिलता हुआ, बाकी अच्छी लग रही है मुझे तो। आप बताना मेरे को, हेलमेट ग्लव्स वगैरह, हेलमेट कह रहा हूँ मैं, राइडिंग जैकेट। तो अभी राहुल भाई के पास चलते हैं सीधा, राहुल भाई भी मिलने वाले हैं और हर्ष भाई मिलेगा, और चलते हैं फटाफट। वो पेट्रोल भरवा रहा, अमित भरवा लिया, और अब निकल। तो फाइनली 1 2 3 4 NS RS अपाची एंड अपाची RTR 310, राहुल भाई, हर्ष भाई, अवनीत भाई एंड तुम्हारा तुषार भाई। ठीक है, सुबह सुबह मजे, और मेरे गत्ता बीच में ना आए, सारी वीडियो कैसी तैसी हो जाए। पर फॉलो कर सकते हो आप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड ID पॉपअप आपके सामने। चलो ब्रो, तो मैंने आपको पहले बोला था कि पंचगांव जाना है, तो पंचगांव नहीं जाना है, पंचगांव रेस्टोरेंट जाना है। पकड़ते फटाफट, इधर लेट हो जाएंगे भाई, हर्ष भाई पीछे है। और एक तो हजार की अच्छी बात है, बंदा दूर से दिख जाता है कहाँ पे बंदा। चलो पकड़ते हैं, फाइनली क्या आ गया, मेरा टायर थोड़ा गीला है, तो स्लोली स्लोली करेंगे। वाह व्हाट अ लीन माय बेब, व्हाट अ लीन, ये वाला ज़्यादा थोड़ा हार्ड लगता है मुझे। नहीं ये भी करेंगे भाई साहब, कुछ भी हो जाए कंट्रोल करनी होती है बस। आप ऐसे ट्राई मत करना, मैंने भी ट्राई करना शुरू। थैंक यू क्यों बोल रहा हूँ मैं, मेरे सर्विस का बत्ती जग गई है, तो सेकंड सर्विस की वीडियो भी आपके अकेले में आने वाली है भाई साहब। ये पेट्रोल पंप पे रुकेंगे, हर्ष भाई सबसे पीछे थे भाई, सबसे आगे आ गए, मैं बातें करता करता, ये रहा अवनीत मेरे साथ ही चल रहा है, तो ये अच्छी बात है कि साथ में मेंटेन करके हम चल रहे हैं। तो अब वेट करना अपने भाई का, और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो फाइनली निकल चुके हैं, अपने पीछे भी 3 बाइक्स हैं, अपने आगे भी 3 बाइक्स हैं। मैंने भैया, तो फाइनली हम धोला कुआं पहुंच चुके हैं मीटिंग पॉइंट पे, एंड ये रहे अपने भाई सारे, और जो पिछली राइड पे आए थे वो कहाँ गए, वो रहा भाई एक, एंड उसके आर 5 अंडर दिल्ली आई थिंक इसमें लगाई है इसने। और क्या हाल है, तो अभी सारा लाइन अप होगा, अभी अपने भाई लोग आए नहीं है सारे, हायाबूसा लियो हायाबूसा, एंड ये तो आपके सामने है। सपना सा लगता है मुझे अब तो, सही बताऊँ तो क्या, मुझे ये सपना सा लगता है कि भाई साहब ये मैंने वीडियो में देखा सिर्फ, आज मैं खुद भी यहाँ हूँ। तो फाइनली आई थिंक नहीं हो, सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, कोई और फाइनली नहीं है वो, तो एक अपाची वाले भाई नहीं आए 160, जो पिछली बार एग्जॉस्ट साउंड बहुत ही अच्छी फील थी, तो हो सके तो उनकी बाइक चलाएंगे, एग्जॉस्ट वाली बाइक चलाने में अलग ही फीलिंग है। और ये भाई अपने घूरते हुए अपने इस संडे राइड की ना, पिछली बार मैंने 5-2 बन सकते थे, मैंने एक ही बनाया, बना नहीं पाया दूसरा, मतलब मेरे को याद नहीं था, जल्दी जल्दी मैं डाल दी। इस बार मैं पहले जाति भर का बनाऊँगा, उसके बाद एक आती भर का बनाऊँगा, 2 पार्ट बनाऊँगा, और मेरे 2 दिन बच जाएंगे, और मेरा थोड़ा सा जो दिन है, मतलब थोड़ा सा जो मेरा काम वगैरह वो सारा पेंडिंग है जो पूरा कर लेंगे, एंड 2 दिन अपने बच जाएंगे। उसके बाद जो वीडियो बनानी है वो वाली वीडियो बाद में बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोच में क्या बनाना है, तो कुछ सोचो, यहाँ से धोला को 25 पड़ जाता है अपने। ओके निकल रहा, इंजन लाइट भी ऑन होगी, ABS ब्रेक अभी चलते चलते ऑफ हो जाएगी। चलो जी चलते, आवाज ही नहीं भाई,
चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई लीडर है अपने एंड बस एक मुझे याद रहता है। शुक्र है मैं यहाँ से गया हूँ, मुझे पता नहीं था ऊपर चला जाता तो काम ख़राब हो जाता। फाइनली रूट तो वही है वाला मानेसर वाला, बाकी थोड़ा आगे आज रेस्टोरेंट अपना वो रेस्टोरेंट है, मैं आपको पूरी स्टोरी आराम से बताऊंगा। वाओ इट्स माय ड्रीम। फाइनली एक बार चेकअप हुआ कि सब आ गए हैं नहीं आए, और मोस्टली सब आ रहे हैं और आ ही गए। तो यहाँ किसी को आएगा कोई यहाँ पे, और अभी तो आए नहीं है। अगर मैं अपने ब्लैक अलॉय करवाऊँगा तो ब्लैक नहीं कराऊँगा, वो शाइनिंग ब्लू जैसे है ना, वो रेनबो जैसे वो करवाऊँगा, बिकॉज अलग ही लगेंगे वो। और बाकी धीरे धीरे करवाएंगे जैसे भाई के हैं वैसे, तो वो बस रेसिंग सपोर्ट सब आगे बैटरी डाल
आई थिंक पहुंच गए पंच गाँव आ गए तो थोड़ा बहुत ही डी मेरे को नहीं पता कौन सी है यार अमेजिंग वाओ नाइस लोकेशन तो बहुत बहुत सारे बाइकर्स आए हैं पंच गाँव रेस्टोरेंट देसी रेस्टोरेंट मन तो भूख लग रही है बहुत तेज मेरा कैमरा वो सारी जगह है यार कहीं भी लगा दो छाए में आज तो मैं गाने सुनता हुआ आया था मैं यार नहीं यार तो गाने सुनते ही आएंगे तो फाइनली गाइज मैं अब पहुँच चुका हूँ हम पहुँच चुके हैं मतलब ये अपनी पूरी ग्रुप एंड काफ़ी सारी बाइक्स हैं आज पहले से ज़्यादा बहुत ही बाइक्स हैं कम से कम 20 या 25 बाइक होंगी मेरे हिसाब से और लाउडेस्ट एनी ओके तो मैं बता रहा है कि ऊपर करके ब्लॉक कर तो लाउडेस्ट बाइक जो है NS 200 बाकी ड्रोन यहाँ उड़े जा रहा है ये रहा ड्रोन तो यहाँ पे क्या है गाने चल रहे धीरे धीरे पहले गाना चल रहा था जोर से तो मैंने सोचा यार नहीं बन पाएगा वीडियो अब गाना बंद हो गया तो मैंने सोचा बना लेता एक बारी बाकी बहुत ही मज़ा आया राइड करके बहुत सारे बंदे हैं आपको लाइनअप भी दिखा देता हूँ ये देखो अमेजिंग लाइनअप वो लाउडेस्ट बाइक है जो मैं उससे बोलता हूँ भाई को रेप करके दिखाया एक बारी NS 200 भी है और लिटरली बहुत ही मज़ा आया आज राइड करने में और 90 to 180 ऐसे चलाइए ज़्यादा एक NS है वो वाली बहुत अच्छी जैसे अपने वीडियोस में देखा होगा जब मैं मोटर व्लॉग कर रहा था तो वो वाला लाउडेस्ट NS इन आवर ग्रुप बहुत ही अच्छी आवाज़ थी और ये वाला व्लॉग होगा जो दो पार्ट में आएगा अगर प्रॉपर वीडियो बनी होगी तो एंड बाकी अगर छोटा पड़ेगा तो एक ही डालेंगे बाकी ड्रोन उड़ रहे हैं यहाँ पे ड्रोन नहीं दिख रहा मुझे अभी उड़ाया नहीं है तो ड्रोन शॉट अगर तो ये CRT का ऐसी प्रोजेक्ट है इसमें DB कलर नहीं होता है तो एक बार भाई स्टार्ट करके दिखाते हैं और इसकी आवाज़ सुनो बहुत ही लाउड है ये